हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन गर्ल और मैं हूँ प्रियंका और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ ह्यूज पर्पल हॉल। नाउ पर्पल से मैंने 1000 के अंडर बहुत सारी शॉपिंग की है और आई एम हैप्पी विद द फैक्ट कि 1000 रुपीज़ में मुझे बहुत सारा सामान रिसीव हो गया और सारे अच्छे हो। आई होप, आई डोंट नो उसकी क्वालिटी कैसी है, बट यस मुझे बहुत सारा सामान रिसीव हो गया क्योंकि उसमें कुछ ऑफर्स चल रहे थे तो मुझे 50% ऑफ में मिला और मैं बहुत खुश हूँ इस फैक्ट के लिए। सो आज मैं वही सारी चीज़ें आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ कि मैंने क्या क्या लिया और उसके रिव्यूज़ मैं आपके साथ आगे शेयर करूँगी। सो लेट्स गो फॉर इट। और उससे पहले अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, यार इसमें बिल्कुल फ्री है और अगर आप करोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। एंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर इफ़ यू लाइक दिस वीडियो एंड ऑल्सो गाइड मी फर्दर कि मैं और क्या क्या चीज़ें करूँ ताकि आपके साथ मेरा इंट्रैक्शन ज़्यादा अच्छे से हो सके और वी कुड बी फ्रेंड्स लाइक। सो अगर आप मेरे से इंट्रैक्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा इंस्टाग्राम का लिंक है, सो वी कैन टॉक लाइक। सो आई रिसीव दिस डब्बा टूडे इट सेल्फ, जिसमें हमारा जो पैकेजिंग है इसकी ये कार्डबोर्ड पैकेजिंग में है जिसमें आपके चारों तरफ से जो है वो टेप से कवर कर रखा है और टेप में बहुत प्यारा प्यारा सा पर्पल लिखा हुआ है। एंड देन इसमें फ्रंट में एक इनवॉइस अटैच्ड है जिसमें मैंने 979 रुपीज़ इसका पे किया है, ये लिखा हुआ है और इसमें इनवॉइस अटैच्ड है। सामने कुछ ओपन करूँ, सो जस्ट आई एम ट्राइंग टू ओपन इट। बहुत जद्दोजहद के बाद मेरे से ये डब्बा खुल गया और इसकी पैकेजिंग कुछ इस तरीके से इन्होंने रख रखे हैं प्रोडक्ट्स को, जो बहुत ज़्यादा अच्छा है, लाइक बबल रैप्ड है और सारी चीज़ें बहुत ही सेफ्टी पैक्ड है। सो लेट्स सी कि कैसे हैं प्रोडक्ट्स। तो मैं आपको एक एक करके प्रोडक्ट्स दिखाती हूँ ना। कुछ ऐसे इस तरह से ये पैक है और ये कुछ ऐसे इस तरीके से पैक है, तो मैं आपको एक एक प्रोडक्ट्स खोल के दिखाती हूँ एंड लेट्स सी कैसे हैं। सबसे पहले आई विल ओपन दिस पैकेट, देखते हैं इसमें क्या है। पैकेज बहुत अच्छे से है, आपका जो प्रोडक्ट है वो बिल्कुल सेफली आपके पास पहुंचेगा, प्लस इसकी डिलीवरी भी मुझे बहुत सही लगी। लाइक 13 अप्रैल को मैंने ऑर्डर प्लेस किया था और आज 17 अप्रैल है और मुझे प्रोडक्ट रिसीव हो गया, नोइंग द फैक्ट कि मैं किसी मेट्रो सिटी से नहीं हूँ और ये एक उत्तराखंड का बहुत ही छोटा सा शहर है जहाँ पे प्रोडक्ट्स इतने टाइम बीइंग पे रिसीव हो जाना बहुत सही बात है, बहुत अच्छी बात। फाइनली आई ओपन्ड इट, तो सबसे पहला है एक लिप क्रेयॉन, ये है NYB की लिप क्रेयॉन जो है मिस मैथ लिप क्रेयॉन और ये भी पैकेज्ड है, ये भी प्लास्टिक शीट में पैकेज्ड है, तो इस शीट को पहले मैं खोलती हूँ ना। उसके प्राइजेस मैं आपको लिंक कर दूँगी क्योंकि मुझे एग्जैक्ट प्राइजेस तो नहीं याद है, पर मैं आपको इसकी स्क्रीनशॉट जो है वो लिंक कर दूँगी ताकि आपको पता चल जाए। हाँ मुझे कुछ ऑफर्स में ये सारे रिसीव हुए, लाइक अगर आप 10 प्रोडक्ट्स खरीदते हैं NYB के तो आपको 50% ऑफर मिलेगा, तो मैंने 10 प्रोडक्ट्स खरीदे थे NYB के इसलिए मुझे ये 50% डिस्काउंट में मिला। सो लेट्स सी कि कैसा है। तो ये है लिप क्रेयॉन की पैकेजिंग जो एक प्लास्टिक की शीट में रैप था और इसको ओपन करने के बाद ये कुछ इस तरीके से है और ये रिट्रेसेबल तो नहीं है। इसका शेड है रेडी फॉर सबवे सीरीज़, ठीक है, तो ये एक ऑरेंज कलर का शेड है क्योंकि मेरे पास ऑरेंज शेड नहीं था तो मैंने इस शेड को मंगवाया था। और सो इसका शेड कुछ इस तरीके का है, लाइक ऑरेंज ऑरेंज सा शेड है, मेरे पास कोई ऑरेंज शेड नहीं था तो इसीलिए मैंने इसको मंगवाया था। सो लेट्स सी इसको यूज़ करने के बाद ये कैसा लगेगा। प्राइजेस मैं आपको लिंक कर दूंगी और इसको यूज़ करने के बाद मैं आपको बताऊंगी कि ये कैसा है। सो लेट्स सी सेकंड प्रोडक्ट। सेकंड प्रोडक्ट है एक आईलाइनर, नाउ ये भी पैकेज्ड है, एक प्लास्टिक की शीट से ये पैकेज हो रखा है। सो लेट्स ओपन इट। गाइस सबकी पैकेजिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है, लाइक आपका प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा सिक्योर रहेगा, सो आई लाइक द पैकेजिंग। और इसको अगर हम करेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखता है और ये कुछ ऐसी प्यारी सी इसकी पैकेजिंग है। एंड थर्ड इज़ दिस NYB का प्राइमर और ये भी मुझे डिस्काउंट में मिला था, कुछ 100 समथिंग का था। मैं सारे प्राइजेस लिंक कर दूँगी सो इसको भी मैं यूज़ करूँगी, मेरा ये फर्स्ट परचेज है NYB के प्रोडक्ट्स का। सो लेट्स सी ये कैसे काम करते हैं। सो बाकी के प्रोडक्ट्स मुझे इस पैकेट में रिसीव हुए हैं, सो इसको ओपन करके मैं देखती हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं क्योंकि एक्चुअली मुझे याद नहीं है मैंने क्या क्या मंगवाया था। सो लेट्स चेक। ये मुझे इतनी सारी चीज़ें रिसीव हुई है,
सो आई एम वेरी एक्साइटेड राइट. सो देखते हैं इसमें क्या क्या है. सबसे पहले है ये एक मेकअप फिक्सर स्प्रे. इसकी पैकेजिंग कुछ इस तरह है ना. ये गुड है ना कि आपको पैकेजिंग का भी आइडिया लग जाएगा, ताकि आपको पता चले कि इसकी पैकेजिंग कैसे है, कैसे आता है, ताकि आपको ये डाउट ना रहे कि पैकेजिंग कैसी होगी और आपका प्रोडक्ट ख़राब तो नहीं हो जाएगा. बहुत क्यूट सी बॉटल है. कैसा यूज़ होगा ये आई विल लेट यू नो, और प्राइजेस आपको मैं अटैच कर दूँगी. सो लेट्स सी ये कैसे काम करता है. नेक्स्ट प्रोडक्ट है हमारा आईलाइनर है. ये भी कुछ ऐसी पैकेजिंग है इसकी, और ये एक बहुत क्यूट सी ये ग्रीन कलर का आईलाइनर है जिसको मैंने परचेज़ किया है. आई डोंट नो मैं इसको कैसे यूज़ करूँगी, बट या मैंने इसको परचेज कर लिया है. सो ये ग्रीन कलर का आईलाइनर है. ये बहुत क्यूट सा है. एक्चुअली इसकी पैकेजिंग सबकी बहुत ज़्यादा क्यूट है. आई लाइक द पैकेजिंग. आई डोंट नो प्रोडक्ट का क्या है, बट पैकेजिंग इज़ वेरी नाइस. अवर नेक्स्ट प्रोडक्ट इज़ दिस, और ये है हमारा इल्यूमिनेटर. ओके ये एक्चुअली NYBae का नहीं है. ये मैंने स्टे क्विर्की का मंगवाया था. सो ये है हमारा इल्यूमिनेटर, और ये बहुत क्यूट सा पेन जैसा पैकेजिंग है इसका. और मैंने इसके रिव्यूज़ एक्चुअली देखने की कोशिश भी की थी, पर मुझे किसी का रिव्यू नहीं दिखा इस प्रोडक्ट पे. सो मैंने सोचा कि ले लेती हूँ, लेट्स सी कैसा है. नेक्स्ट प्रोडक्ट हमारा ये है एक कॉन्टोर स्टिक जो कुछ इस तरह से पैकेज्ड है, और इसको जब हम ओपन करेंगे तो ये कुछ इस तरह से भी एक प्लास्टिक शीट में रैप होके आया है. सो लेट्स सी खुल गया. ओके सो ये एक स्टिक है, कॉन्टोर के लिए मंगवाया है मैंने इसको. सो लेट्स सी ये कैसे काम करेगा. प्राइजेस मिल जाएंगे. नेक्स्ट है हमारा ये है हमारा द बिग एप्पल ऑफ माय आई. कोहल काजल है ये एक, ठीक है. तो इस काजल को मैंने मंगवाया है, और ये भी एक प्लास्टिक शीट में रैप्ड है. सो लेट्स ओपन इट. इसको जब हम इसकी रैपिंग खोलते हैं तो ये कुछ इस तरह का दिखता है, और ये एक ऐसा पेन है, एक काजल है. सो आई शेयर द रिव्यू. हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट है ये है हमारा लिक्विड लिपस्टिक. नाउ मैंने एक लिक्विड लिपस्टिक को मंगवाया था, और ये इसका शेड कुछ इस तरीके का है, और ये बहुत ही न्यूट सा शेड है. लेट्स सी कैसा है. लेट्स अप्लाई दिस. शेड अच्छा है. आई डोंट नो ये मुझ पर अच्छा लग रहा है कि नहीं. आई एक्चुअली डोंट नो, बट या आई विल ट्राई इट और आई विल सी कैसा लग रहा है. मुझे एक्चुअली समझ भी नहीं आ रहा अभी. सो दिस इज़ अ क्यूट लिपस्टिक एंड विच आई लाइक, एंड आई डोंट नो ये कैसा काम करेगा. अभी तो ये मेरे को अच्छा सा लग रहा है, बट लेट्स सी कैसा है. सो आई विल शेयर द रिव्यूज़. नेक्स्ट प्रोडक्ट इज दिस. ये है हमारा HD स्पॉटलेस लिक्विड कंसीलर. सो मैंने मंगवाया है एक लिक्विड कंसीलर. सो लेट्स सी ये कैसे काम करते हैं. सबकी पैकेजिंग कुछ इस तरीके से ही है. ये भी एक प्लास्टिक शीट में रैप्ड है. सो आई हैव टू ओपन दिस. सो ये है कुछ इस तरीके का कंसीलर. इसको एक्चुअली मैंने मंगवाया है एज अ हाइलाइटर यूज़ करने के लिए. शेड है वो है हमारा मिल्क चॉकलेट, वाइट एंड मिल्क चॉकलेट प्रेट्ज़ल, ठीक है. ये मैंने यूज़ करना है एज अ हाइलाइटर. आई होप ये अच्छा काम करे. विल चेक इट. एंड हमारा लास्ट प्रोडक्ट है ये, और ये है हमारा ओके दिस इज़ ऑल्सो कंसीलर वाला स्टिक, एंड ये भी एक प्लास्टिक की पैकेजिंग में रैप है. ओके ये एक ऑरेंज कंसीलर है, और इसको मैंने लिया है ताकि जो भी मेरे डार्क स्पॉट्स हैं लाइक यू कैन सी ये सारी चीज़ों को मैं हाइड कर सकूं. सो लेट्स सी ये कैसे वर्क करता है. सो यही सारे प्रोडक्ट्स थे जो मैंने मंगवाए हैं. ओके मैं आपको शेड बता दूं, मैंने आपको शेड्स नहीं बताए हैं. ये है ऑरेंज करेक्टर NYBFCS 10, और ये लिपस्टिक का शेड है रेड कारपेट बेस.
ये लिपस्टिक का शेड है। प्रोडक्ट्स के परचेज लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी और जो शेड्स वगैरह मैंने लिए हैं जो भी मुझसे स्किप हो गया है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी ताकि आप चेकआउट कर सको। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपने ये हॉल वीडियो उतना ही इंजॉय किया हो जितना मैंने इसको ओपन करने में इंजॉय किया है। लाइक आप लोगों के साथ इसको ओपन करना मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। सो लेट्स सी कि ये कैसे काम करता है और मैं इसके रिव्यूज़ आपके साथ ज़रूर से शेयर करूँगी और मैं इन प्रोडक्ट्स को यूज़ करने के लिए लाइक बहुत बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। सो गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ और प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सा प्रोडक्ट अच्छा लगा या आप कौन सा प्रोडक्ट ट्राई करना चाहते हो या कौन से प्रोडक्ट में आप मेरा रिव्यू चाहते हो। सो आई होप वी विल बी कनेक्टेड और उसी के साथ बाय बाय, टेक केयर एंड लॉट्स ऑफ लव।